तो फिर बस थोड़ी सी सेवियाँ जो है वो उखड़ी हुई थी, हमने सोचा कि इसको बना लें, क्योंकि आलू खा कर ना गले जो है वो ख़राब हो चुके हैं। आप डेली के आलू ही खाते हैं, या तो कद्दू वगैरह होते हैं, या यही सब्जी होती है। अभी तूरी ही तूरी तूरी यानी तूरी और भिंडी जो है वो हमने, भिंडी एक बार ली है और तूरी वगैरह जो है वो हमने ली भी नहीं है। अभी न्यू आ रही है तो स्प्रे वगैरह हो रही है, और आप सब देख रहे हैं कुछ न्यूज़ चैनल में कि जो जिसको हम मतीरा मतीरा कहते हैं सरायकी में, तो उसमें यानी कि टीके वगैरह जो है उसको में लग रहे हैं कि ये जल्दी से ना थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज आए, सुर्ख हो जाए। और फिर यानी कि ये बहुत ज़्यादा तरबूज जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। गर्मियाँ होती है ना तो इसका यानी कि मांग जो है वो बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा यानी कि हम विलेज में वहाँ भांजे के वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ में हमने देखा रास्ते में शहर में तो बहुत ज़्यादा जो है वो यानी कि लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा उसके तरबूज के ढेर लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा हमने देखा कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है वो ढेर लगे हुए। और मीडिया वाले रोक रहे हैं कि इसमें केमिकल आ रहा है, टीका वगैरह जो है इसमें लगा रहे हैं इंजेक्शन, कि ये जल्दी से पक जाए और ना हम इसको खाएँ, तो उसी की वजह से ना तो बीमारियाँ वगैरह जो है डेरिया और गोरा और भी बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो रही हैं। तो वो बहुत ही वो कह रहे हैं कि इसमें जहर जो है वो फैल रहा है, बहुत ख़तरनाक जो है वो बीमारियाँ हो रही हैं। तो इसलिए हमने तो लिया ही नहीं है, एक बार लिया था काफ़ी अर्सा पहले, तो हमने फिर नहीं लिया। तो हमें भी डर लगा कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए, बच्चियाँ पहले भी बीमार हैं, किसी के गले ख़राब हैं, बस किसी को क्या है, किसी को क्या, हर रोज़ का डेली का कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो अभी हम सेवियाँ बना रहे हैं, और थोड़ा सा हमने इसमें यानी कि घी थोड़ा सा यूज़ किया है, देखिए घी ज़रा हमने यूज़ किया है, क्योंकि फिर हम ज़्यादा नहीं डालते इसमें, दूध है नहीं। आप सबको पता है कि दूध बहुत दूध की किल्लत है यहाँ पे, और मिल भी नहीं रहा। यानी कि जो भैंस का दूध है वो 250 पे किलो जा चुका है लीटर का, और गाय का ना वो 200 के लिए बना, तो एक जैसे गरीब बंदा क्या कर सकता है, तो बहुत मुश्किल है, और वो मिल भी नहीं रहा यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए कुछ यानी कि कहवा वगैरह बना लेते हैं, या फिर थोड़ी जो होती है वो खुश्क दूध की पत्ती जिसको कहते हैं वो एक हाथ ले ली, तो वो भी बस ये ना पूछे 1.40 रुपये की एक मिलती है, अगर एक ले तो एक में से चाय भी नहीं बनती, तो वो उससे भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे, ये कलर इसका चेंज हो जाएगा, तो फिर उसमें डालेंगे पानी वगैरह, और फिर दूध थोड़ा बहुत देखेंगे, नहीं तो ऐसे ही बना लेंगे। गर्म हो रही है तो आज सारा दिन चार पाइयाँ वगैरह जो है वो धोई हैं, दो चार पाइयाँ धोई हैं, अभी खुश्क नहीं हुई, क्योंकि धूप खा नहीं, थोड़ी सी धूप थी लेकिन खुश्क नहीं हुई। एक बार पड़ी हुई है, एक मैं उठा कर ले आई हूँ जो पुरानी है, तो दूसरी नई जो है मैंने धोई है वो तो पड़ी हुई है, अभी उसको मैंने देखा है कि वो बहुत गीली है, तो उसमें कोई कपड़ा वगैरह डाल कर ना रात को ना सोएंगे उस पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गीली लग रही है। तो हर रोज़ सोचते थे कि आज धोएंगे कल धोएंगे, तो फिर आज मैंने धोई थी, क्योंकि फिर बारिश भी आ सकती है, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि जो इसको धो लूँ, चलो धो एक खुश हो जाएगी, अभी धोने के वाले खुश नहीं। तो
प्यारे बस ये देखिए सेवियाँ जो है वो बन चुकी हैं, दूध है नहीं इसमें, सर थोड़ा सा खा वो मैंने सिर्फ डाला बस इसमें कि ताकि ये हम खा सकें इनको। दूध बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ये देखिए पानी ही है, पानी ही है। वो थोड़ा सा रहने दिया हो फिर थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है क्योंकि चाय जो का दूध है नहीं तो इसमें अभी ये थोड़ी सी यानी कि ये हो जाए जो खुश्क हो जाए थोड़ा सा यानी कि तो फिर हम इसको उतारेंगे और फिर यानी कि ये बहुत ज़्यादा गर्म है अभी बंद तो नहीं है ना बना तो लिया है लेकिन वहाँ पे गैस है और यही चूल्हा यूज़ करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा यानी कि ये गैस यूज़ हो रही है। वो गैस तो आती भी नहीं है, कभी आती है और कभी नहीं आती, बस ऐसे ही सिस्टम चल रहा है और उसके बिल जो है वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं और आने में क्या कहते हैं कि एक घंटा बड़ी मुश्किल से देते हैं जो कि हमें रात का खाना जो है वो हम किसी तरह से जल्दी से बना लेते हैं। तो सारा दिन तो हम यही यूज़ करते हैं तो यही यूज़ हो रहा है। अब ये गाड़ियाँ जो है वो हो रही हैं ये देखिए, तो ये गाड़ी हो जाएगी ना तो फिर इसको उतार देंगे, उतार कर रख देंगे तो फिर इसको हम यूज़ करेंगे खाएंगे। और ये ईद की ही सेवियाँ हैं जो ईद में हमने ली थी, थोड़ी सी बनाई थी वो बाकी की रख दी थी। अब थोड़ी सी जब दिल करता है ना थोड़ी सी बच्ची छोटी बच्ची जो है वो ज़िद कर रही थी कि अम्मी जान मुझे सेवियाँ बना करते हैं, मेरी गला जो है वो ख़राब है और बुखार है तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आलू बना रही थी कि मैं थोड़ी सी देर फिर सोचा कि गैस आ जाए ना शाम का फिर शाम को ना आलू वगैरह शाम को बनाएंगे अभी तो चलो ये वगैरह जो है इसको बनाते हैं। तो ये गाड़ी हो चुकी है तो अभी इसको उतार लेते हैं और मीठा वगैरह जो है वो चेक किया नहीं है बिल्कुल भी, अभी मीठा वगैरह जो है वो भी चेक करेंगे और उतारेंगे और इसमें डाल देंगे। और एक तो पानी का भी मसला होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, फिल्टर भी यहाँ पे लगे हुए हैं तो फिर शाम को फिल्टर जो है वो शाम को ही खोलते हैं और सुबह खोलते हैं। और पानी आप सबको पता है कि गर्मियों में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पानी की कमी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और शदीद जिसको लू कहते हैं वो चल रही है। अभी कोई ये पता नहीं है कब बारिश आएगी, अल्लाह पाक बारिश दे और सबकी मुश्किल जो है वो दूर हो। अभी ये बन चुके हैं अब इसको उतारते हैं गर्म तो होंगे। बाकी तो मज़ेदार भी नहीं है लेकिन इसमें दूध है नहीं तो इस मेरे बहन भाई ने खाना वो आ जाए मिल के खाते हैं क्योंकि आप सब की हमारी उम्मीदें आप सब पे ही हैं कि आप सब हमारी जो है वीडियो है वो देखा करें, भी लोगों को देखा करें क्योंकि हमारे भी लोग जो है बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। हम इसी पर ही गुजर बसर कर रहे थे तो भी लोग बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब लोग को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें दूसरों के यहाँ। तो कल एक नए लोग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, उस वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।